पीएचडी को प्रायोरिटी मिलेगी कि स्टार्टअप को मिलेगी? आपसे इंस्पायर होके मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करना सर ग्लोबली इसको पिंक टी के नाम एवरीथिंग नेचुरल यस एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल और जो आप तुमने अभी वो मोदी की गारंटी जो आप कह रहे थे हम भी अपने प्रोडक्ट्स में वही गारंटी देते हैं हम बोलते हैं मनी बैक ऑफ इस स्टार्टअप में हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की हमारी 22 प्रोडक्ट्स हैं और हमारी यूनिक बात यह है कि हम रीजन स्टेज और स्पीशीज स्पेसिफिक फीड्स बनाते हैं हमारा जो स्टार्टअप है इसको एक साल हुआ है अभी सब हम हमारे साथ अभी 5,000 फार्मर्स जुड़े हैं और हमने 500 टन फीड बनाए अभी सो और इस एक साल में हमारे लगभग 1 करोड़ रहा है और हमने कितने लोग आपके साथ काम करते हैं 25 लोग तो पीएचडी को प्रायोरिटी मिलेगी कि स्टार्टअप को मिलेगी सर मेरा इसी में है इन्वॉल्यूटरशिप है ब्यूटी सर मैं दोनों सर आपसे इंस्पायर होके आप हम यूथ को बहुत इंस्पायर करते हैं आपसे इंस्पायर होके मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करना चाहूँगा बढ़िया बहुत शुभकामनाएं मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ पेशे से पुलवामा के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ छिछकुट जिसका नाम है सर वहाँ की औरतों में काफ़ी स्किल है तो वो स्किल को लेकर मैं आज मंच पे आपके आई हूँ अप्रॉक्सीमेटली 20 आर्टिजन मेरे साथ काम करती हैं जो कि महिलाएं हैं तो मार्केट का क्या है मार्केट सर मैंने मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ ऑनलाइन सर तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या होगा सर माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि उसका मेरे गांव में उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था सोसाइटी को वापस भी देना पड़ता है ना तो बहुत अच्छा काम किया थैंक यू फॉर योर टाइम और सर अभी हमने रिसेंटली एक जैकेट बनाई है क्योंकि इंडिया में आज तक खुद का इंसुलेटर जैकेट नहीं था तो ये पश्मीना बेस्ड जैकेट है सर ये हमारे इंडियन आर्मी को हेल्प करेगा सियाचिन जैसे बॉर्डर्स में रहने के लिए क्योंकि ये -50 तक रिटेन करता है अभी सर हमने इसका रिसेंटली पेटेंट फाइल करा है और अभी हम इसके ऊपर और काम कर रहे हैं जिससे ये और वार्म रख पाए जैकेट को सर आपके डिजिटल इंडिया का जो सपना था उस इसी से प्रेरणा लेके हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया नाउ वी आर आल्सो डूइंग ऑफलाइन सर अब लोकल मार्केट जो है वो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर जो भी है और जो भी यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सोर्स हम लोकली करते हैं और इन्हीं को थोड़ा सा हम ब्लेंड करके लोकल सोर्स को मिला के कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो आपने अभी वो मोदी की गारंटी जो आप कह रहे थे हम भी अपने प्रोडक्ट्स में वही गारंटी देते हैं हम बोलते हैं मनी बैक ऑफ मेरा स्टार्टअप है नूनले ग्रीन फूड इनोवेशन सर नूनले एक पेटेंट प्रोडक्ट है इसकी नॉवेल्टी ये है कि जो आपकी कश्मीरी नून चाय है जो हर घर में पी जाती है ये उसको इंस्टेंटली तैयार करता है सर ग्लोबली इसको पिंक टी के नाम एवरीथिंग नेचुरल यस एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड जो हमने हर्ब भी इंक्लूड किया वो भी नेचुरल जो आउटसाइड हमारी कश्मीरी चाय पीता है वो यही कहता है कि उससे वही कश्मीरी टेस्ट मिला है थैंक यू सर सर हमने एरोमेटिक और मेडिसिन क्राफ्ट पे काम किया जिसमें हमने लेवेंडर को वहाँ पे बढ़ाया और 2500 किसानों को अपने साथ जोड़ा है जो लेवेंडर की खेती करते हैं और साथ में अब वैल्यू एडिड भी हम उसको कर रहे हैं हाई अल्टीट्यूड पे बहुत सारी लैंड्स जो बेकार होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने हमारा उसमें सपोर्ट किया उधर वो लैंड्स बिल्कुल बेकार थी ड्यू टू मिलिटेंसी कुछ वजह थी वहाँ पर लोग नहीं चाहते थे आज की डेट में वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई तो वो ज़मीनें आबाद हो गई तो जिस ज़मीन से 5 से 10 हज़ार रुपये आता था सारा लेवेंडर का काम हाँ लेवेंडर पूरे इंडिया में आपने सर मन की बात में भी बताया तो उससे हाँ तो उससे बहुत एनकरेज हो गया मेरी पढ़ाई लंदन से हुई है और सर लंदन से आके मैंने कश्मीर का पहला सस्टेनेबल होम स्टे शुरू किया सर इसमें मेरी यही कोशिश रही कि मैं 90% महिलाओं को काम दूँ तो जितना भी हमारा चीज मेकिंग वेजिटेबल ग्रोइंग फ्रंट डेस्क हाउसकीपिंग पढ़ाई तो किसी और विषय में हुई होगी और काम भी और करती होगी सर मैंने मार्केटिंग में पढ़ाई की लेकिन मैं हमेशा चाहती थी मैं अपने लोगों को सर्व कर सकूं और फिर मैं कश्मीर आके यहाँ मैंने अपना शुरू किया और सर लास्ट ईयर बॉलीवुड को लेके काफी फिल्म हमारे यहाँ पे शूट हुई सर हमारी 10 to 12 रूम्स है यस सर हमारे काफी एकर्स है वहाँ पे तो हम कश्मीर के जो है क्या उनका स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं यस सर हमने जम्मू कश्मीर का पहला पब्लिक ई बाइक शेयरिंग सिस्टम चालू किया है जिसमें हम इलेक्ट्रिक बाइक्स को रेंट पे देते हैं पूरे श्रीनगर शहर में
और अभी तक हमने एक साल में 40,000 राइड मुकम्मल की है। कुल कितने बाइक्स हैं? हमारे पास टोटल 100 बाइक्स हैं। कितने लोकेशन पर सेट किया हुआ? हमने अभी तक 12 लोकेशंस पर इसको सेट किया है। और हमने एवरेज एक व्यक्ति कितने किलोमीटर के लिए लेता है? एवरेज जो हमारी राइड ड्यूरेशन है वो 13 किलोमीटर की है। विदेश के टूरिस्ट ज्यादा लेते हैं या लोकल लोग यूज करते हैं? जी, टूरिज्म में जो बूम हुआ है रिसेंटली, उस वजह से हमें काफी बेनिफिट मिला है। लोकल्स भी यूज करते हैं, टूरिस्ट तो बहुत यूज करते ही करते हैं। काफी ज्यादा फायदा मिला है हमें उससे। और आप डिजिटली ट्रैक भी करते हैं कि कहाँ जा रहा है? जी सर। आपका तहे दिल से सब शुक्रिया। इसका काफ़ी टाइम से करा, जब से आपने मन की बात में हम शेख ब्रदर्स का प्रोग्राम से नाम लिया। आज फार्मर्स यही बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिस यूनिट का नाम लिया है वो आज हमारे लिए रोजगार का एक जरिया बन गया है। मन की बात के बाद बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और 400-4,000 फार्मर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं।